नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वाराणसी के हरुआ से हरुआ मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे के नेतृत्व में शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें हरुआ मंडल प्रभारी पंकज तिवारी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के द्वारा तिरंगा यात्रा को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों को मूर्त रूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरुआ युवा मंडल भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा 10 अगस्त को बाइक तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी के 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान बैठक में प्रमुख रूप से कार्यक्रम संयोजक अरशद अली, मोर्चा के उपाध्यक्ष विष्णु सागर गुप्ता, मंडल मंत्री नवीन चौबे, महामंत्री प्रदुम पांडे, उपाध्यक्ष रिजवान, रोहित, कमलेश, सुजीत, राकेश जायसवाल इत्यादि मंडल कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है? किस तरह का कार्यक्रम रहा आज? आज कार्यक्रम ये हुआ कि हम लोग पहले तो अभी रणनीति बनाए हैं, बैठक किए हैं, रणनीति बनाए हैं, क्या करना है क्या नहीं। और वैसे हम लोग 10 तारीख को एक भव्य बाइक रैली द्वारा तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जो सातन होगा तो होते हुए पुराजपुर मोड़ रिंग रोड तक जाएगी, वहाँ पर समापन होगा। और समापन के दौरान हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पर तिरंगा यात्रा रख के थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें, सभी को जागरूक करें तिरंगा के प्रति लेकर, अपने देश के प्रति लेकर, सम्मान के प्रति लेकर। यही सब करना हम लोगों को, उसकी रणनीति हम लोगों ने आज बनाई। क्या नाम है आपका? दुर्गाजी के मेला। पंकज कुमार तिवारी। किस तरह का कार्यक्रम था आज? हम लोग बैठक रखे हैं तिरंगा यात्रा के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, 75वां अमृत महोत्सव। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों को तिरंगा यात्रा निकालना है। तिरंगा यात्रा को लेकर हम लोग यहाँ बैठक किए हुए थे हरुआ मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अनिल पांडे जी के अध्यक्षता में। और एक भव्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वाराणसी जिले के तत्वाधान में हर मंडलों में निकाली जाएगी। उसी के संदर्भ में मैं हरुआ मंडल के प्रभारी के रूप में आदरणीय मंडल अध्यक्ष अनिल पांडे जी के अध्यक्षता में बैठक लिया हूँ तिरंगा यात्रा के संदर्भ में। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।